वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ सरधना में बात केवल दोस्ती की थी, लेकिन दोस्ती की आड़ में साकिब ने दोस्त की भाभी से अवैध संबंध बना लिए, मारने मिटने के वादे कर डाले। दोस्त को भनक लगी तो उसने अपने भाई को सब बता दिया। तभी तीनों भाइयों ने साकिब को हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने का इरादा बना लिया। फिर 25 अगस्त को बेहद दर्दनाक तरीके से साकिब की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले तीनों सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। दिलचस्प व गंभीर पहलू यह भी है कि पत्नी के अवैध संबंधों के लिए 2 साल में सिर्फ फिर पति द्वारा की गई यह दूसरी हत्या है। दरअसल नगला ऑर्डर रोड नई बस्ती सरधना निवासी शाहिद अली के पुत्र साकिब का शव बीते 25 अगस्त को पड़ा मिला था। एक दिन पूर्व वह घर से बाइक द्वारा अभी आता हूं कहकर निकला था। देर शाम तक वह वापस नहीं लौटा तो उसकी तलाश हुई। अगले दिन उसका शव व बाइक बरामद हो गए। आज मेरठ पुलिस अधीक्षक देहात केशव कुमार ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पुलिस ने मोहल्ला घोसियान सरधना निवासी आजम के पुत्र बिलाल उफ भोला, तालिब व आजिम तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी देहात केशव कुमार ने मीडिया को आज यह जानकारी दी। थाना क्षेत्र सरधना में 25/8 को साकिब नामक व्यक्ति की हत्या की गई थी। तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था 567/21। घटना का सफल अनावरण थाना पुलिस और एसओजी की टीम की संयुक्त रूप से किया गया है। इसमें 3 व्यक्तियों को अभी गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम बिलाल उर्फ भोला है, दूसरे का नाम तालिब है और तीसरे का नाम अजीम है। ये तीनों भाई हैं, इनके द्वारा मिलकर ये घटना कारित की गई है। जो घटना का मोटिव है वो इस तरह का है कि जो मृतक था साकिब, वो तालिब का दोस्त था, उसके कारण ही उसका घर पे आना जाना था। घर पे आने जाने के कारण जो इसका बड़ा भाई है बिलाल, उसकी वाइफ तबस्सुम है, उसके साथ इसके रिश्ते अवैध संबंध बन गए थे, जिसका पता तालिब को चला। पता चलने के बाद इसने ये बात अपने बड़े भाई को बताई, जिसके बाद परिवार के सभी लोगों ने मिलकर षड्यंत्र किया, कॉन्स्पिरेसी की कि इसकी हत्या करनी है, जिसके परिणाम स्वरूप 25 तारीख को साकिब की हत्या कर दी गई। इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इन लोगों को भी पहले से पता था कि इस तरह की घटना की जा रही है, वो षड्यंत्र के पूरे भागीदार हैं। और एक बात और इसमें खास बात यह है कि 2019 में ये जो बिलाल है, ये पहले भी 302 में जेल जा चुका है। उस समय भी प्रकरण इसी तरीके का था, जिसमें मोहसिन की हत्या की गई थी। उस समय भी मोहसिन का जो था, ये इसको बिलाल को शक था कि इसकी पत्नी तबस्सुम के साथ संबंध हो रहे हैं, इसी कारण 2019 में भी हत्या की गई थी मौसम। सर, ये इसको साकिब को कैसे लेकर गए, कहाँ लेकर गए, कैसे हत्या की? क्योंकि तालिब उसका दोस्त था साकिब का, इसीलिए उसको भरोसे में लेके इसको घटनास्थल पे लेके गया। बाइक पे उसी के साथ बैठ के गया था, जहाँ पे पहले से बाकी इसके जो दो भाई थे वो इंतजार कर रहे थे। जब वो वहाँ पे पहुंचा तो इनके द्वारा मिलके हत्या की गई थी। महिला के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? बिल्कुल, ये दोनों प्रकाश में है, इनके शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इस संपूर्ण घटनाक्रम का एक उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि 2019 में बिलाल उफ भोला ने नवाबगढ़ी के मोहसिन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह हत्या भी उसने अपनी पत्नी तबस्सुम से मोहसिन के अवैध संबंध होने पर की थी, और अब साकिब को भी तबस्सुम के संबंध होने के चलते मार दिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में हल्का इजाफा देखने में आ रहा है, लिहाजा कोरोना बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करें। जब तक जरूरी ना हो, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करें। देखते रहिए firstbite.tv और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।